like, share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from Epic. आज दुनिया में इंडिया मिर्च का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि सन 1510 से पहले इंडिया में ना तो हरी मिर्च थी और ना ही लाल मिर्च। सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात तो ये है कि आलू भी इंडिया सिर्फ 500 साल पहले ही आए हैं। जी हाँ, आलू। आज टमाटर के बगैर भारतीय खाना पकाना समझो नामुमकिन है, लेकिन एक ऐसा समय था जब हमारे देश में टमाटर थे ही नहीं। क्या आप ये जानते हैं कि टमाटर हमारी देश में सिर्फ 16वीं सदी में आए? मिर्च, टमाटर, आलू, पाइनएप्पल और यहां तक के काजू से भी इंडिया को वाकिफ करवाया पोर्चुगीज ने। पोर्चुगीज जब इंडिया आए तो वो अपने साथ रेसिपीज तो जरूर लाए, लेकिन उनमें पड़ने वाली सारी इंग्रेडिएंट्स भी अपने साथ लाए। ऐसे ही रेसिपीज की खोज में मैं निकला हूं, खोई हुई रेसिपीज। और अपनी इस खोज में मैं आ पहुंचा हूं वहां जहां पर पोर्चुगीज ने अपनी छाप छोड़ी थी। जी हां, गोवा। गोवा की लॉस्ट रेसिपीज ढूंढने के लिए इससे बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती, क्योंकि मापसा मार्केट खुद 2000 साल से भी पुराना है। और आज मेरी मुलाकात होने वाली है मिसेस मास्करेनस से, जिन्होंने गोवा की कलिनरी यानी कि फूड हिस्ट्री पर एक किताब लिखी है। और आज मैं उनसे जानूंगा पोर्चुगीज का इंडियन और गोवन खाने पर क्या असर हुआ। सो मिसेस मास्करेनस, ये बाजार देख के मजा आ गया। मुझे आप ये बताओ, मैंने सुना है कि ये बाजार 2000 साल से इस तरह चलता आ रहा है। 2000 से पहले? नहीं 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 नहीं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भी नहीं है यहाँ, क्योंकि यहाँ वहाँ एक मंदिर था और वो मंदिर के लिए सभी लोग ने क्या प्रसाद के लिए ना कुछ कुछ दे रहा है। हाँ, बिल्कुल। उसने शुरू किया, एक छोटा सा जमाया ऐसा, और उसको महा मार्केट कह दिया। शुरू में तो ये छोटा सा बाजार था, है ना, मंदिर के, मंदिर के लिए। उसके बाद में पोर्चुगीज आए, तो मैंने सुना है जो मिर्ची है चिली, वो भी पोर्चुगीज ही लाए थे अपने साथ में पहले। हाँ, वो ब्राजील और चिली से लाया, वो साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। देखो अभी यहाँ भी चिलीज, एग्जैक्टली। ये मैं एक फैक्ट क्लियर कर लेता हूँ कि अब से 500 साल पहले यानी कि पोर्चुगीज के आने से पहले इंडियन कुकिंग में मिर्च का इस्तेमाल नहीं होता था। जब उन्हें मतलब कोई डिश मिर्च वाली बनानी होती थी तो क्या यूज करते थे? स्पाइसेस, सिनेमन, टेफ्लॉन, पेपर, पेपर्स। क्योंकि पोर्चुगीज क्यों आया यहाँ, क्योंकि वो हमारा गोवा में और इंडिया में ज्यादा स्पाइस था। पोर्चुगीज इंडिया आए थे पहले कोचिन को। कोचिन से उन्होंने 1510 में गोवा पहुंचे और गोवा में उन्होंने एक बेस बनाया उनका सब फैक्ट्री बनाने के स्पाइस के लिए, और वहाँ से सब स्पाइस यूरोप को बेचने के लिए और वहाँ से कुछ मटेरियल इंडिया लाने के लिए। हमने उन्हें यहाँ से क्या दिया, मतलब यहाँ से वो क्या ले गए? कोकोनट। हाँ, कोकोनट।
हिस्ट्री कहता है कि कोकोनट लोकल, जब ही पोर्चुगीज से पहले लोकल का खाने में हर प्रिपरेशन में कोकोनट कोकोनट था। तो हमने दुनिया को कोकोनट तो दिया ही है, दिया है। स्पाइसेस के अलावा उन्होंने मैंगो और कोकोनट और शुगर केन लिया, ज़्यादातर ये सब साउथ अमेरिका में गया। एंड टुडे यू विल फाइंड दैट द बिगेस्ट प्लांटेशंस फॉर शुगर केन आर इन साउथ अमेरिका। पोर्चुगीज गोवन क्विजीन में बहुत फेमस फूड्स हैं जैसे कि गोवन सॉसेज। तो गोवन सॉसेज उसका क्या मतलब, उसका सीक्रेट क्या है? दिखाएंगा, चलो। गोवन सॉसेज का दूसरा नाम इंडिया में भी चोरीसो है, और ये चोरीसो नाम है ये आइबीरिया से आया है। जो ओरिजिनल चोरीसो है वो इंडिया में नहीं मिलेगा। जो गोवा सॉसेज है वो दो तरीके के मिलते हैं, वो बीड्स के जैसे, जो रोजरी सॉसेज बुलाया जाता है, और वो साउथ गोवा में मिलता है। और नॉर्थ गोवा में लंबा सॉसेज मिलता है, पर वो भी मीट के टुकड़े से बनता है। ये गोवा का स्पेशलिटी है। अभी सभी लोगों को मालूम है कि पोर्चुगीज ट्रेडर्स सी फेरर्स थे, और इतने महीने उसने कॉन्टिनेंट से साउथ अमेरिका से सेल करना था, यहाँ सेल करने। और जब भी वो आया ये सब उसको सब मीट्स मीट ईटिंग कम्युनिटी था, बिल्कुल ज्यादा फिश नहीं, इसीलिए ये टेक्निक प्रिजर्वेशन टेक्निक उसने शुरू किया। मिसेस मास्करिनस ने मुझे बताया कि अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के अलावा पोर्चुगीज जो थे अपने साथ खाना पकाने की अलग अलग टेक्निक्स साथ लाए। मैंने सुना है कि यहाँ पर पोर्चुगीज आए, उन्हें मतलब टॉडी उन्होंने डिस्कवर की, उसका भी विनेगर बनाया, जो आज की डेट में जो फेमस गोवन टॉडी विनेगर है जो हर मसाले में डाला जाता है। इसमें भी है वो टॉडी विनेगर हर लोगों का घर में है। तो जाके देख सकते हैं, जरूर। हाँ, वहाँ भी एक है। चलो फेमस टॉडी विनेगर। अभी ये टेक्निक पोर्चुगीज ने सिखाया सिरका बनाने का, सिरका बनाने जी टॉडी लेकर बड़ा बड़ा कंटेनर्स में डाल के डाला। फिर वो रूफ से एक टाइल उसको गरम करके उसमें डाल दिया, उसमें डाल दिया क्लोज्ड 2 महीने के लिए, और फिर 2 महीने के बाद स्ट्रेन करके ये खा लगा फेमस। आप हल्का सा मीठा बट खट्टा टॉडी खट्टा टेस्ट देता है। और हम लोग कहते हैं कि हर प्रिपरेशन स्वीटनेस चाहिए, सानस चाहिए, वो सानस के लिए ये, और ठीक स्पाइसी भी चाहिए, ये वो सब एस इसका सब बैलेंस होना चाहिए, होता है। पोर्चुगीज के आने के पहले खटास के लिए हम इमली या कोकम इस्तेमाल करते थे, पर पोर्चुगीज विनेगर या सिरका बहुत इस्तेमाल करते थे, और उन्होंने देखा कि कोंकण में टॉडी बहुत आसान से मिलता था, तो दे टॉट अस टू यूज़ टॉडी एंड टू मेक विनेगर आउट ऑफ टॉडी। एंड इंडियन स्टार्टेड यूजिंग विनेगर ओनली आफ्टर द पोर्चुगीज केम टू इंडिया, एंड वी लर्न द टेक्निक ऑफ मेकिंग विनेगर फ्रॉम द पोर्चुगीज। आज कोई ऐसी रेसिपी जो भूली हुई हो, खोई हुई हो, जो मीट और इस सिरके का मतलब इस्तेमाल करती है पोर्चुगीज टाइम से, कोई ऐसी चीज फेमस पोर्चुगीज टाइम से भूली हुई? हाँ है, पर उसने थोड़ा सा चेंज हुआ, उसको हम लोग लोकल कहता है विंदालू। पर जब भी पोर्चुगीज ने लाया उसको कहता है कारने विनो आलो। कारने विनो आलो, कारने तो मीट होता है, विनो वाइन होता है, और आलो काले। तो विंदालू का पहला वर्जन, ऑथेंटिक पोर्चुगीज वर्जन ये है, कारने विन आलो। ये कोई बनाता है आजकल अभी भी, मतलब के कोई नहीं बनाता? हम फॉरगॉटन है, बिल्कुल फॉरगॉटन है, बिल्कुल कोई तो बनाता होगा, क्योंकि वो ओरिजिनल रेसिपी है, ढूंढना पड़ेगा। आज मैं विंदालू की ओरिजिनल रेसिपी को जानने की कोशिश कर रहा हूँ।
इससे अच्छा भला क्या हो सकता है कि विंदालू के इतिहास को खोजने हम तकरीबन उतने ही साल पुराने घर में हैं। मैं हूं कासा दोस मिरांदास में और ये 350 साल पुराना पोर्चुगीज घर फेमस गोवन कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा का है और यहाँ पर हम जानेंगे कि पॉपुलर गोवन विंदालू आया कहाँ से। रायन, आपका नमक। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। हमने आपका नमक खाया सर। आपने ये पहले पकाया है? ये जिसे बोलते हैं ओरिजिनल वर्जन ऑफ विंदालू। एक्चुअली लास्ट टाइम जब मैंने ये पकाया 1991 था इस घर में, उस टाइम पे ऐसे ही था, फायरवुड किचन, ये चिमनी था, ये बहुत पुराना किचन है। इतनी लेजेंडरी रेसिपी, इतनी ऑथेंटिक पुरानी पोर्चुगीज रेसिपी इस सेटिंग में। जब मैं इस घर के दरवाजे से अंदर आता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि आई एम गोइंग बैक इन हिस्ट्री। ये जो कार्ने दे विन आलू है, करेक्ट? करेक्ट। पोर्चुगीज रेसिपी है, इसका अब विंदालू बनता है। ये क्या इसकी ओरिजिनल रेसिपी है और ये कहाँ से शुरू हुई? मैं बोल सकता हूँ कि क्लोजेस्ट टू द ओरिजिनल रेसिपी है, क्योंकि ओरिजिनल रेसिपी क्या है क्या नहीं है किसी ने कुछ लिखा नहीं उस टाइम पे। ओके। इट वाज पास्ड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ। उस जमाने में पोर्चुगीज सबसे महत्वपूर्ण सी फेयरिंग नेशन था एंड लाइक एवरी सी फेयरिंग नेशन द ships that sailed contained carried a great variety of dry provisions and provisions that would not spoil. ye salted pork tha jo wo jahaz pe rakhte the, ye salted pork wine aur garlic ke sath pakta tha. agar hum aaj Portugal jate hain to ye recipe hame wahan mil jayegi? milni chahiye technically? milna chahiye magar मुश्किल है बोलने के लिए कि ज़रूर मिलेगा, कोई रेस्टोरेंट में मिलेगा। कोई आर्टिजनल रेस्टोरेंट होते हैं ना, आर्टिजनल रेस्टोरेंट जो कल्चर को रिवाइव करते हैं, उधर शायद मिलेगा आपको। एक म्यूजियम रेसिपी है, आर्काइवल रेसिपी है। आर्काइवल रेसिपी जो अब गोवन विंदालू कही जाती है, उसमें तो खूब सारे मसाले होते हैं, स्पाइसेस होते हैं। इसमें मुझे यहाँ पे बिल्कुल कुछ ही इंग्रेडिएंट्स दिख रहे हैं। सिंपल इंग्रेडिएंट्स है, ये तो हो गया पोर्क, दो या तीन तेज पत्ता, बर्ड्स आई चिलीज। मैरिनेशन के लिए नमक तो चाहिए चाहिए, मगर ये जो नमक है वो तो लोकल रॉक सॉल्ट है जो सॉल्ट पैन में बना से निकालते हैं। ठीक है। ब्राउन शुगर, शैलॉट्स, और ये है गार्लिक, फेवरेट गार्लिक जो हम इंडियन भी पसंद करते हैं और पोर्चुगीज भी पसंद करते हैं बहुत। ओके, फिर हम आते हैं अपने लिक्विड्स पर। 75 to 80 ml ऑफ रेड वाइन विनेगर, और ये है पाम विनेगर यानी कि टॉडी विनेगर। तो ये जो टॉडी सिरका है, ये तो कम से कम 6-7 महीने का टॉडी है। 6-7 महीने का। ये एक पोर्चुगीज इंग्रेडिएंट नहीं था, वो यहाँ पे आके उन्होंने ये बनाना शुरू किया। पोर्चुगीज इंग्रेडिएंट ही बोल सकता है क्योंकि हमारा गोवा का जो कुजीन में है विनेगर बिल्कुल यूज नहीं होता था उस पोर्चुगीज का। तो उन्होंने ये इंग्रेडिएंट बनाया है, तो टेक्निकली एक तरह से पोर्चुगीज इंग्रेडिएंट हो गया। अगर उसको टॉडी को फर्मेंट करते थे और बाद में डिस्टिल करके वो लोग पाम फेनी बनाते थे, तो इसको थोड़े स्पाइसेस और गार्लिक वगैरह के साथ मिला के वाइन के साथ या वाइन जो विनेगर बन गई हो उसमें डाल के ये प्रिजर्व करते थे, पकाते थे और खाते थे। और वो हाँ जी, और वो पोर्चुगीज का वो नंस जो थे, संत मोनिकन नंस और जेजुइट्स, उन्होंने मोस्ट ऑफ द रेसिपीज डेवलप किया इधर गोवा आने के बाद, क्योंकि कई उनका इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलता था इधर लोकली, तो इम्प्रोवाइज करके उन्होंने काफी सारे न्यू डिशेज लाए हमारी कुजीन में। और वही मतलब आज के डेट में गोवन पोर्चुगीज कुजीन माना जाता है, राइट? तो इंग्रेडिएंट्स हमारे हो गए, पोर्क हमारा ऑलमोस्ट तैयार है, शुरू करें। देखो, मैंने थोड़ा सा पोक ऑलरेडी काट के रखा है इधर, उसको मैरिनेशन बोल में डालते हैं और ये बोल को यहाँ लेके आते हैं। थोड़ा सा रॉक सॉल्ट हम लोग अंदाज़ ही डालते हैं, 2 to 3 tablespoons, और उसको बाद में तेज पत्ता को क्रश करो हाथ में ताकि उसका फ्लेवर एक्टिवेट हो जाए। अब नेक्स्ट विनेगर डालो। ओ, आप डालो सर। वो 75 ml हो गया, और ये रेड वाइन भी देगा। ओके, ये है ब्राउन शुगर, और लास्ट इंग्रेडिएंट मैरिनेशन के लिए मिर्ची। आहा, एग्जैक्टली द वे इट शुड बी। परफेक्ट, परफेक्ट, राइट ऑन। अभी कितनी देर तक होना चाहिए मैरिनेट? मिनिमम 8 घंटा, प्रेफरेबली
3 से 4 दिन चार दिन के लिए रुकते हैं हाँ? उसके बाद हम खाना चलो ठीक है नहीं बना हुआ है तो अभी उसको थोड़ा स्टर करेंगे अगर आप देखेंगे तो गोवा के खाने में पोर्क ज़्यादा इस्तेमाल होता है पर ये तो ये पहले से नहीं था जब पोर्चुगीज आया यहाँ पे और वो सब लोग को क्रिश्चियनिटी को कन्वर्ट किया तो इसने ऐसे नियम निकाला कि लोग पोर्चुगीज खाना खाना चाहिए और पोर्चुगल में और आइबेरिया में ज़्यादातर वो पोर्क में पकाते हैं तो ये फॉलो करके गोवा में भी लोग पोर्क पकाने शुरू किया लवली हो गया जी तो अब हम रेडी हैं अपने कार्ने दे विन आयो बनाने के लिए फाइनली राइट प्रोनाउंसिएशन ये आग तेज करूं थोड़ी सी आग थोड़ा सा तेज करो लकड़ी का चूल्हा इंसान को ज्ञात सबसे पुराना खाना पकाने का तरीका है हम इस पर कई हजार सालों से खाना पकाते आ रहे हैं और ये बिल्कुल भी बेवजह नहीं है वुड फायर गैस के मुकाबले कई ज्यादा गर्म हो सकती है और अगर इसकी आंच को कम करना हो तो जल्दी से लकड़ी को बाहर निकाल दीजिए और खाने को अंगारों पर पकने दीजिए तो रायन पोक की चर्बी अब अच्छी तरह से मतलब पिघलना शुरू हो गई है राइट अब उसको शैलॉट्स और गार्लिक अच्छा जिसे हमने बैश किया था वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं सिंपल रेसिपी बहुत सिंपल है एनीबॉडी कैन कुक विंदाजो विंदाजो अभी थोड़ा सा हम लोग बाकी का भी पोक डाल देंगे सबसे बढ़िया चीज जो है मैरिनेशन का जूसेस तो इसमें हम आदित्य थोड़ा सा वो व्हाइट वाइन ड्राई व्हाइट वाइन जो है वो लेके आना ये लो इसको थोड़ा गीला करने के लिए हम वाइन डालते हैं 120 ml तक गया उसमें हो गया। अब उसमें अभी थोड़ा चीनी लगेगा ये चला गया अंदर इसे बैलेंस करने के लिए राइट बैलेंस कर साउनस को बैलेंस करने के अभी उसको शिफ्ट करना है कुंडले के अंदर और पहले पोर्चुगीज के जमाने में भी यही यूज करते थे क्ले ज्यादातर गोवा में तो क्ले और पोर्चुगीज में तो ऐसा टेरिकोटा का बनता है कुकिंग यूटेंसिल्स ओके बट जनरली नेचुरल मटेरियल्स का देखो गाना गा रहे हो अभी ये मिट्टी का मटका है उसमें मैंने थोड़ा पानी डाला है ये उसका ढक्कन है नेचुरल ढक्कन बिल्कुल और उसका जो मॉइस्चर जो है उसको अंदर जूस को ज़्यादा इवेपरेट होना नहीं देगा और उसको अपने आप उसके जूसेस में ही पक जाएगा 15 मिनट के बाद हम उसको खोल देते हैं और थोड़ा सा सूखने दो उसके बाद हम खाएंगे वाह उबल रहा है अभी समय है थोड़ा और मिर्ची डालने का अंदर लाल मिर्ची और थोड़ा हीट आएगा इससे बढ़िया महक आ रही है क्योर्ड फ्लेवर आ रहा है क्योर्ड मतलब पिकल्ड फ्लेवर अचारी अभी आपका और मेरा कुछ काम नहीं है अभी उसका कुकिंग टाइम 30 मिनट था अभी आग के ऊपर और 5 मिनट उसको थोड़ा सूखने के बाद निकाल देंगे और उसको अच्छा सा कुण्याचो पोई के साथ कुण्याचो पोई मतलब पोई जिसके ऊपर वो लोग थोड़ा सा व्हीट ब्रैन डालते हैं ठीक है और उसके साथ में खाएंगे
इसका रंग बिल्कुल अलग है, अलग जो मतलब आजकल का जो विंदालू है और इसका। जो ओरिजिनल पोर्चुगीज विंदालू है उसमें ज्यादा मसाले नहीं थे, क्योंकि पोर्चुगीज जो यूरोपियन है उनको ज्यादा स्पाइस पसंद नहीं था। लेकिन जब वो यहाँ आए तो उनके सिंपल सी रेसिपी में, जिसमें सिर्फ गार्लिक, अनियन, चिली और रेड वाइन हुआ करता था, उसमें यहाँ के गरम मसाले ऐड हुए हैं। दालचीनी, लौंग, पेपर, जीरा, धनिया, हल्दी, खूब सारी लाल मिर्च जो वो अपने साथ लाए हैं, और यहाँ का जो सिरका है, टॉडी विनेगर, वो सब चीज़ें इसमें मिली हैं। फिर आज का जो लाल विंदालू मसाला कहा जाता है वो क्रिएट हुआ है। और आज का विंदालू मेरे ख्याल पोर्चुगीज और इंडियन इन्फ्लुएंसेस का अच्छा मेल है। इस विंदालू का जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा क्लीन है, पोर्क का फ्लेवर आता है, चिलीज का आता है, मसाले ना भी हो लेकिन डिश बिल्कुल लाजवाब है। और इस पोई के साथ खासकर, इसके बगैर मेरे ख्याल से ये चावल के साथ नहीं जाएगा, नहीं। इसके साथ ये ही चाहिए। अब मुझे ये बताओ, इसका भी जो ट्रेडिशन है ये भी पोर्चुगीज ही है? Everything is Portuguese. This is Portuguese. Absolutely. मैं देख सकता हूँ इसको बनते हुए कहीं पे? Coastal Sunset में पहले बेकरी सेटअप हुआ था उस जमाने में। आप देख सकते हैं जाके, किसी से बात करके हम अरेंज कर सकते हैं, आप जाके देख लीजिए। इत्तेफाक की बात ये है कि आज जो हमने ये रेसिपी बनाई है और पहली बार खाई है, ये भी आज देश में कहीं नहीं मिलता। आज वैसे हमने इसको पका कर अच्छा किया, क्योंकि ऐसा महसूस होता है कि हम भी हिस्ट्री में इस रेसिपी के साथ वापस जा चुके हैं। Travel back in time. सालसेट गोवा का वो तालुका है जहां पर पोर्चुगीज सबसे पहले आकर बसे थे, और वो यहां अपने साथ ब्रेड बेकिंग का ट्रेडिशन भी लेकर आए थे। ब्रेड को बेक करने का तकनीक ना सिर्फ गोवा में बल्कि पूरे इंडिया में पोर्चुगीज ही लाए हैं, और आज 500 साल बाद भी ये ट्रेडिशन यहाँ पर जिंदा है इन छोटी छोटी बेकरीज में जो गोवन बेकर्स के घर के अंदर बनी है। गोवा के बेकर्स को पोदर कहते हैं, और ये बेकर्स दिन रात ब्रेड या पोई बनाने का काम करते हैं। पोई बनाते हैं मैदा, यीस्ट और पानी से, और इसे कोट करते हैं व्हीट ब्रैन से। पहले के दिनों में पोई के आटे में यीस्ट की जगह टॉडी यानी के सूरा का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आजकल इस प्रैक्टिस को भुला दिया गया है। ब्रेड बन जाने के बाद जो पोदर हैं, वो अपने साइकिल पर ब्रेड की टोकरी रखकर निकलते हैं और पूरे गोवा को गर्मा गर्म ब्रेड बांटते हैं। हर जो चीज मैं देखता, ढूंढता और खोजता आ रहा हूं, वो मुझे इतिहास के पन्नों में वापस ले जा रहा है। अब मैं जा रहा हूं गोवा के एक ब्यूटीफुल हेरिटेज विलेज दीवार आइलैंड। यहां पर मैं बोट से जा रहा हूं क्योंकि वहां पर पहुंचने का कोई और तरीका भी नहीं है, और वहां पर मेरा इंतजार कर रहे हैं गोवा के अब तक सबसे महान शेफ माने जाने वाले शेफ रेगो, और वो मुझे गोवा की सबसे फेवरेट फिश मैकरल या बांगड़ा बनाने का एक भूला हुआ तरीका सिखाने वाले। तो शेफ रेगो और मैं बैठे हैं दीवार आइलैंड पे, उनके घर की आंगन में, और मेरे सामने है चार बांगड़ा, हरी मिर्च, नमक और नींबू, और आप हमें दिखाने वाले बांगड़ा पकाने का एक तरीका जो आजकल ज्यादा लोग नहीं करते। राइट, ठीक है जी, क्या बनाएंगे हम? ये बांगड़ा तोन में बास्तोलो तोनन, तो ये पोर्चुगीज तरीका है पकाने का। ओल्डन डेज, वो जो बहुत पुराने से आप लोग या जमाना से पकाता है ऐसा, हम उसको पका देगा वो हे में, हे ये। तो इसका जो धुआं है इससे पकेगा, इसमें पकेगा और आग लगा देगा उसको। तो इसको हम आग लगा देंगे, उसके अंदर हम बांगड़ा डाल देंगे और उसके बाद में ये पक जाएगा। ये कवालो दियो फोर्नो जो है, इसका नाम तो पोर्चुगीज तो है,
पर मेरे ख्याल में ये इट्स अ प्री पोर्चुगीज डिश एंड दैट इट्स रूट्स आर वेरी वेरी अग्रेरियन. आफ्टर हार्वेस्टिंग व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ हे इन द फील्ड्स एंड द फिश इज अवेलेबल एनीवेयर, दे वुड यूज दिस वेस्ट हे टू कुक द फिश and to in a way to barbecue it in a very kind of an Indian style. ये जो तरीका है ये कब से चलता आ रहा है, मतलब 500 साल? या पहला से अपन लोग जो old people से सीखे हैं ना. अच्छा, तो फैमिली का ग्रैंडफादर का ग्रैंडमदर से सीख के अपन लोग करते हैं और आपके थ्रू हम लोग भी सीख लेंगे. जरूरी है. शेफ, शैल वी स्टार्ट? चलिए शुरू करते हैं. सो ये पोहला साफ करने गए, इसका हेड से ना ये गिल्स रहते हैं, ये सब हेड का पेट का सब खींच के निकालने के बाद. अभी ये वॉश करने गए. ओके, अभी उसको मैरिनेट करने के. नमक डालता है थोड़ा मैरिनेट करने को, अंदर डालने गए सो दैट फ्लेवर आएगा, टेस्ट आएगा. ये हो गया जी. अभी इसको चिली को चिली अंदर डालने का पेट में. मच्छी मैरिनेट हो गई है, चलिए पकाते हैं. इसका ऊपर मैक्रेल रखने के. अब इसको वापस हे डाल के कवर करने के. अभी इसको आग लगाने के, फायर. तो ये अंदर मछली जलेगी नहीं? नहीं जलेगी. ये जो भूसा है ये जल के ये राख हो जाएगा. राख हो जाएगा. एशेस. एशेस होएगा. और उसके बच्चे जो राख में उसकी गर्मी में पक जाएगा. पक जाएगा स्मोक के साथ. स्मोक के साथ. मेरे ख्याल से ऐसा बांगड़ा बनाने का तरीका तो शायद किसी ने ही देखा होगा पहले. अभी उसका ये लेने का, इसको अभी थोड़ा ऐसा हवा डालने का सो दैट इट शुड कुक मोर. सी फायर इज. ये जो डिश है इसे मतलब कब खाते हैं दादा? ये आप देखेगा तो पुराने जमाना में पूरा तावेन रहता है अपना. तावेन बोला तो दुकान. हाँ, दुकान दारू का. बिल्कुल. रोड का साइड. बिल्कुल. वो अपना अपना हार्ड काम करके लेबरर्स और रेले वो कोई भी अपना काम करके खेती में आके आता है. जब ये रोड का ऊपर ये बाय करके एक पका देगा और दो पैक मार के घर जाएगा खाने को. दो पैग एक मच्छी. रेशो जरूरी है. शेफ रेगो का ये कहना है कि बांगड़े को पकाने की ये जो टेक्निक है, ये जो तरीका है, जेजुइट जो मॉन्क्स हैं, जो प्रीस्ट्स हैं, उन्होंने पहली बार लोगों को यहाँ पे सिखाया और वहाँ से ये एक गोवन तरीका बन गया बांगड़ा पकाने का. अभी उल्टा करने का है, दूसरा साइड. हाँ, ओके, पलटेंगे इसको. ये एक ऐसी रेसिपी है जो कोई भी पका सकता है. या कोई भी पका सकता. तो शेफ आजकल ये लोग ज्यादा क्यों नहीं पकाते हैं, मतलब अगर इतनी ही मतलब पकाता ना. ये टाइम कंज्यूम है थोड़ा सा काम करने को. हाँ. थोड़ा किचन अंदर का आदमी लोग फ्लैट में रहते हैं. हाँ. आजकल मतलब बंगलों में नहीं रहता है, बैक एरिया नहीं. तो मतलब जिसे बोलते हैं नए जमाने के साथ ये तरीका भी मतलब और अब कम होते जा रहा है. या थोड़ा कम होते जा रहा है. ये जो तरीका है मतलब ये गोवा के बाहर भी मिलेगा? हम कभी देखा नहीं. कभी नहीं देखा. नहीं. तो हमारा बांगड़ा अब बिल्कुल ही पक चुका है. इसकी जो चमड़ी है इसने सारा जो धुआं है शेफ उसको खींच लिया है. या, और अंदर से पक गया होगा. हो ठीक है जी.
अब वक्त आ गया इसे टेस्ट करने का। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि मैंने ऐसे बांगड़ा कभी नहीं खाया पहले, और एक बहुत पुराना तरीका है, बहुत ट्रेडिशनल तरीका है, आजकल ये ज़्यादा मिलता भी नहीं है, तो मतलब खासकर शेफ रेगो के हाथों का बना हुआ। अभी आप लोग उसका बांगड़ा इसका फेनी के साथ थोड़ा जिस तरह से 200 400 500 साल से हम करते हैं ट्रेडिशन, लाइक ट्रेडिशन। चीयर्स, वीवा वीवा। बांगड़ा एकदम परफेक्ट पका है सर, सारा जो धुआं है उसका सारा फ्लेवर जो जो स्वाद है बिल्कुल निचोड़ लिया है, नींबू के साथ और इस फैनी के साथ एब्सोल्युटली जिसे कहते हैं नंबर वन। तो ये था हमारा कावाला दो फोर्नो, मतलब कि भूसे में पका हुआ बांगड़ा। अगर ये टेक्निक ही इतनी दिलचस्प है तो मुझे उम्मीद है कि आगे जाकर जो हमारी भूली हुई रेसिपी है वो भी इसी प्रकार बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प होने वाली है। मेरे पिछले कुछ दिनों के सफर में तो ये साफ हो गया है कि इंडिया की कलिनरी हिस्ट्री कितनी खूबसूरत और रंगीन है। इतने सारे टेक्निक, तरीके और रेसिपीज जिन्हें हम आज भूल गए हैं, और अब वक्त आ गया है एक बिल्कुल ही खोई हुई रेसिपी के बारे में जानने का। यह है 1689 में बनाया हुआ फर्नांडिस हाउस। गोवा की अधिकतर पुरानी पोर्चुगीज हाउसेज की तरह फर्नांडिस हाउस भी पत्थर और बर्मा टीक से बना हुआ है, और यहाँ रहती हैं मिसेस ग्रेशियस, जो गोवा में से उन गिने चुने लोगों में से हैं जो कि हमारी खोई हुई रेसिपी को बनाना जानती हैं। ये जो रेसिपी है वो इंडियन और पोर्चुगीज क्विजींस और टेस्ट का एक अनोखा मेल है, और इसको हम बनाएंगे पुराने टेक्निक्स और बर्तनों का इस्तेमाल करके। मिसेस ग्रेशियस, आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि आप बनाने वाले हैं एक लॉस्ट रेसिपी। करेक्ट, जो आजकल कहीं नहीं मिलती, इज दैट राइट? या। तो मिसेस ग्रेशियस और मैं आ पहुंचे हैं इनके बहुत ही सुंदर घर के आंगन के किचन में। हमारे सामने एक पोर्चुगीज अवन, गोवन अवन। पहली बार मैं इसे देख रहा हूँ। जाहिर है कि आप भी शायद पहली बार इस टाइप का अवन देख रहे हो। इसके नीचे हम ये कोको शेल्स डालते हैं, जला देते हैं इसे, और ऊपर भी डालते हैं, तो फिर दोनों साइड से इसकी हीट बनती है। बहुत ही ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड है। जो रेसिपी है वो एक भूली हुई लॉस्ट रेसिपी है। इसका नाम है आप दे कैमरा। इसका मतलब क्या है? प्रॉन्स पाई। फाइनली हमारी खोई हुई भूली हुई रेसिपी हमें मिल चुकी है। ये एक ऐसी रेसिपी है जो एक पहले के ज़माने में, पोर्चुगीज लोगों के ज़माने में यहाँ पे बना करता था गोवा में, और आज के डेट में अनफॉर्चुनेटली ये अब नहीं बनता। बिकॉज ऑफ द लेबर, टॉडी, दिस थिंग, लॉट्स ऑफ थिंग्स यू नीड, बट इंग्रेडिएंट्स के वजह से टॉडी प्लेस, बिकॉज पर्सन यू आर रिमूविंग टॉडी ओनली फॉर दैट इज देयर, नाउ देयर इज नो दिस थिंग। एग्जैक्टली, आप मेरे को ये कह रहे थे कि आजकल टॉडी निकालने वाले लोग भी नहीं है, सम पीपल बट वेरी रेयर। और दूसरी बात यह है कि इसमें टाइम भी बहुत लगता है, टाइम बहुत लगता है, नो डाउट, ओवरनाइट इसको रखना पड़ता है वगैरह वगैरह। ठीक है, मेरे ख्याल में ये अपा द कैमरा अब इतना नहीं बनता है क्योंकि ये बहुत लेबर इंटेंसिव है, एंड इट्स ऑल्सो वेरी टाइम कंज्यूमिंग। जो जॉइंट फैमिली था पहले, जो सब एक साथ रहते थे, आदमी थे बनाने को,
ये सब नहीं है, ये सब न्यूक्लियर फैमिली है और लेबर भी बहुत आसान से नहीं मिलता है। क्या क्या डालेंगे आंटी ये बताइए। लोकल राइस ओवरनाइट आपको पानी में भिगोना है, ठीक है। कोकोनट यू नीड 1 for 1/2 kg। नारियल, शुगर 400 grams, 8 बोर्ड बोलते हैं, अंडे का पीला, दिस इज मेन थिंग फर्स्ट, ठीक है। दिस इज नाउ आप, ये आप हो गया, इसका बैटर, बैटर राइस का, सो नाउ वी आर गोइंग फॉर प्रॉन्स, दिस इज मसाला, रेशे मसाला, रेशे मतलब ये रेशाड, ठीक है जी। सम चिलीज यू नीड फॉर दैट जी, पेपरकॉर्न, सिनेमन, टर्मरी, गार्लिक लिटिल, जिंजर लिटिल एंड क्यूमिन सीड, जीरा एंड अनियन, अनियन टू फ्राई, पुट इन दिस लिटिल टर्मरिन आल्सो, ओके, एंड ग्राइंड विद विनेगर, लिटिल शुगर एंड लिटिल कोकोनट जॉगरी, ओके, दिस इज द मसाला इज बिकमिंग ऑफ। और ये हो गए हमारे प्रॉन्स। चलिए आंटी शुरू करते हैं। पहली चीज मिसेस ग्रीशस ने कहा, हम चावल को टॉडी के साथ में पत्थर पर ग्राइंड करने वाले। ये आपा तो कामरा बहुत इंटरेस्टिंग डिश है क्योंकि ये पाए जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादातर मिल्क, फ्लावर और बटर से बनता है यूरोप में, पर इंडिया में ये टॉडी और राइस फ्लावर से बनाया गया है। तो मेरे ख्याल से ये आपा तो कामरा है, ये एकदम फ्यूजन डिश है यूजिंग पोर्चुगीज यूरोपियन टेक्निक एंड इंडियन इन्ग्रीडियंट्स। ये बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए कि थोड़ा सा रफ? ना, थोड़ा सा रफ, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। अब इसके बाद नारियल की बारी है। और थोड़ा होना चाहिए, बस हुआ। अभी मिक्स कर, मिक्स करूं? तो 4 अंडों का पीला, अब सगर दाल, अब क्या करेंगे इसको? What will happen? 4 hours should be there. So 4 hours जो टॉडी है ये ferment होगा और वो बैटर लाइट हो जाएगा। चार घंटे के लिए हमें इसे ferment करने को रखा है। Luckily हमने आप पहले बनाया होगा, राइट? Lovely. अब next step बताइए। Rinse oil here. Use this for this. Now बैटर यू पुट टिल हियर, फर्स्ट लेयर, ठीक है, पुट इन द दिस वन, ये जो तकनीक है ऊपर और नीचे से भी हीट देकर खाना बनाने की, असल में देखकर लगता है कि आज के अवन का आविष्कार होने का कारण यही तकनीक रही होगी, क्योंकि आज के मॉडर्न अवन में भी यही तकनीक नजर आती है जहां हम हीट के लिए नीचे और ऊपर से अवन में कॉइल्स का इस्तेमाल करते हैं। हो गया, ठीक है। तो हमारा बैटर अब बेक होगा, राइट आंटी? 10 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट, और तब तक हम क्या करेंगे? लाल मसाला विद मिक्सिंग विद दिस थिंग, प्रॉन्स, इसका हम जो फिलिंग है वो बनाएंगे। Okay, so Mrs. Grecious, your onions are ready. Now, should we make the filling, the frying? Yeah, yeah. Okay. पहले के दौर में कुछ भी वेस्ट नहीं जाता था। नारियल का खोका, गाय का गोबर और सूखे पत्ते सभी कुकिंग फ्यूल का काम करते थे। मिसेस ग्रीशस, प्याज ब्राउन हो गया है, ठीक है जी? गोल्डन ब्राउन, गोल्डन ब्राउन। नाउ यू हैव टू पुट द मसाला, प्लीज।
ठीक है जी, अनियन ब्राउन कर दिए, उसमें मसाला और फिर उसमें प्रॉन। बस अब हमें इसे जल्दी से पकाना है ताकि ये कच्चा ना रहे। रेशाड लाल रंग का एक बेहद तीखा मसाला है। इसे मिर्ची में अदरक, लहसुन और खड़े मसालों के साथ सिरके में कूटकर बनाया जाता है और ये एक काफी पॉपुलर गोवन मसाला है जो फिश बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हो गया, अब चेक करते हैं हमारा जो बैटर है हमने जिसे बेक करने के लिए डाला था। बैटर तैयार है, अब हम इस पे ये फिलिंग डालेंगे। प्रॉन का लेयर हमने इस पे डाल दिया है झींगे का, अब हम बाकी का जो आप है यानी कि बैटर इसको ऊपर डालेंगे। यानी कि डेढ़ घंटा ये पकेगा हल्की आंच पे इस ओवन में। उसके बाद आप देखा मेरा हो तैयार। डेढ़ घंटा हो गया, अब हम अपने आप दे कामेराओ को चेक करेंगे। वाह, लुक एट दैट। तो हम अपने इस बढ़िया डिश को अंदर ले जाते हैं और फैमिली के साथ में चाय के साथ इसे हम टेस्ट करेंगे और एंजॉय करेंगे। रेसिपी का जो स्वाद है बिल्कुल ही यूनिक है, हटके है। जो इसका आपा है, जो बैटर है, हल्का सा मीठा है, जो हमने इसमें चीनी डाली थी, जो झींगा है रेशाड मसाले के साथ में उसका फ्लेवर मसालेदार है, और जो बैटर है उसका मीठेपन और प्रॉन के जो मसाला है उसका साथ में कॉम्बिनेशन। हम यहाँ आए थे कुछ भूली हुई और खोई हुई रेसिपीज की खोज में, लेकिन बदले में मुझे यहाँ पर यादों का खजाना मिला है। और क्यों मुझे लगता है कि खाने के इतिहास के कुछ खोए हुए पन्ने हमें मिल चुके हैं।